जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे बेसिक पार्ट को देखेंगे जिससे बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो आप याद रखेंगे, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह आपका दो है। क्या है? दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो है। तो आप याद रखिएगा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह क्या है? आपका दो, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि अभाज्य संख्या होता है क्या। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे और किसी से ना कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पहली अभाज्य संख्या आपका हो गया दो, उसके बाद तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक और स्वयं से ही कट रहा है और किसी से नहीं कटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वह आपका है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह आपका है क्या? वह है आपका चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार है। अब भाज्य संख्या कहेंगे किसको? वैसी प्राकृतिक संख्या जो कम से कम तीन संख्या से कटे। कितने संख्या से? तीन संख्या से कटे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, चार को कैसे हम लोग भाज्य संख्या कह दिए, क्योंकि यह कम से कम तीन संख्या से कट रहा है, एक से, दो से और चार से। इसीलिए सबसे पहला या और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह क्या है? चार है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? ठीक है, तो सबसे छोटी जो सम संख्या है वह आपका दो है। क्या है? दो है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? दो है। सम संख्या कहते हैं किसको? इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाज्य हो, यानी जिस संख्या में दो से भाग लग जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे हो गया दो हो गया, चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया, दस हो गया, बारह हो गया, चौदह हो गया, ये सभी क्या है? सम संख्या है, क्योंकि इसमें दो से भाग लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो स्लाइड है वह है आपका, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं विषम संख्या क्या होता है। जो संख्या दो से ना कटे या जिस संख्या में दो से भाग ना लगे तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी और प्रथम विषम संख्या क्या है? एक है। सबसे छोटी और प्रथम विषम संख्या क्या है? एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वह है आपका, सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन है या सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या। आप जानते हैं क्या कहते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानी सबसे पहला जो नेचुरल नंबर होगा और सबसे छोटी नेचुरल नंबर होगी वह क्या? एक। क्या होगा? एक होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वह आपका क्या है, इसको देखें। चलिए नेक्स्ट, एक स्लाइड ही खाली था। अब कहता है सबसे छोटी होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। अब समझिए कि पूर्ण संख्या होता है क्या। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से बने समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं।
प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से बने समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो बताइए सबसे छोटा जो होल नंबर है वह कौन होगा? जीरो होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कहता है ऐसे कौन प्राकृतिक संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो आप भाज्य के बारे में जानते हैं, जो कम से कम तीन गो संख्या से कटे उसे भाज्य कहते हैं, जो एक और स्वयं से ही कटे और किसी से ना कटे तो उसे अभाज्य कहते हैं। ठीक है, तो दो क्या है? अभाज्य संख्या है। तीन अभाज्य संख्या है। जीरो क्या है? पहला होल नंबर है। ठीक है, और वह प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, तो बचा हुआ है क्या? एक। एक ऐसे प्राकृतिक संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो आप याद रखेंगे, एक ऐसे प्राकृतिक संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे, एक ऐसे प्राकृतिक संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ। आज की कहानी हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।